नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा जिले के स्वास्थ्य विभाग को मिले 5 वेंटिलेटर का उद्घाटन किया। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जिला में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और संबंधित विभाग के अधिकारियों को विकास कार्यों को लेकर के रिपोर्ट पेश की। बैठक में सांसद दुग्गल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सांसद दुग्गल ने कहा कि सिरसा जिले में और स्वास्थ्य विभाग को 5 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनका उपयोग कोरोना काल में गंभीर मरीजों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सभी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आमजन के लिए शुरू की गई विकास परियोजनाओं और योजनाओं का लाभ धरातल तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के विकास योजनाओं के धरातल पर समय सीमा तय लागू करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। देखिए, एक तो हमने यहाँ पर जो है ना वो वेंटिलेटर है उसका आज यहाँ पर ये उद्घाटन किया है कि वो जो है यहाँ पर हमारे प्रशासन की तरफ से नागरिकों को सौंपा जाए। आप लोग जैसे देख रहे हैं कि कोरोना में किस तरह से जो है जो हमारे सीरियस जो मरीज होते हैं तो उन तक उनको कोई दिक्कत ना आए वेंटिलेटर्स की, इसलिए आज उनका उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ साथ आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मॉनिटरिंग की मीटिंग होती है, दिशा की मीटिंग, आज वो सिरसा जिले की है। हमने 4 दिन पहले जो है वो फतेहाबाद जिले की ली थी और आज सिरसा जिले की मीटिंग है। और उसमें जो भी प्रशासन की तरफ से जो काम है वो अधिकारियों के द्वारा सुचारू रूप से किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, क्या उनकी प्रोग्रेस है, उसके लिए मीटिंग ली जाती है। इसमें हमारे जो केंद्र की जो योजनाएं हैं और इसके साथ साथ जो हमारे हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं वो ठीक ठाक तरीके से जो है वो धरातल पर पहुंचे, उनका लाभ जो है हमारे आम नागरिक तक पहुंचे, उसके लिए मीटिंग ली जा रही है। इरिगेशन वाटर वाटर सर्विसेज सिरसा, इसका आप बताएं ब्रीफ करें मैडम को। एएबीपी के अंदर हमारी स्कीम के तहत हमें कोई भी बजट इसमें अलॉट नहीं है, तो इसमें तो हमारी कोई भी काम इन प्रोग्रेस में नहीं है। लेकिन हमारी जो सीएम अनाउंसमेंट जो पीछे है, अभी सीएम अनाउंसमेंट अभी आई है, अभी वो प्रिपरेशन में है। उनके प्रोजेक्ट्स के नाम बताइए जो सीएम साहब के जो उसमें आपके अनाउंसमेंट में है ना, उनके प्रोजेक्ट्स जो आप कह रहे हैं कंप्लीट है, उनके नाम कौन कौन से, कहां से कहां तक पहुंचे? मैडम जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं, एक तो इसको जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करिए, जो जमीन की जो लैंड की जो प्रॉब्लम है उसमें चाहे आप कमेटी गठित करिए लेकिन उसको सॉल्व करिए। लेकिन 80% के आसपास लोग कह रहे हैं कि इसको लगभग कंप्लीट कर दिया है। उनका बीमा होना है 24 तक अपना डिक्लेरेशन बैंक में दे सकते हैं। प्रॉपर जो है स्टार्ट हुआ तो उस टाइम बहुत बड़ा इशू था कि बहुत लोग सिर्फ यही बात लेकर आते थे कि जी हमें जो है ना वो इसमें जबरदस्ती हमको कंपेल किया जाता है आप करने के लिए, लेकिन आप सरकार ने इसमें ऑप्शन कर दिया है तो इसलिए ये ऑप्शनल है। इस चीज को आप जो है उन तक सही तरीके से पहुंचाएं।